मैं तो समझा था कि आज यार हमारा ना ये गेट लग जाएगा, ठीक है, मतलब कि इस पे फिर पॉलिश भी हो जाएगी और बेबी आ जाएगा। बेबी ना पॉलिश भी नहीं सही से सूंघ सकता, पॉलिश की खुशबू बहुत तेज होती है। आज फिर भैया की अलमारी का काम हो रहा है, मतलब लेके जब आऊंगा ना, जब गेट लग जाएगा पॉलिश हो जाएगी उस पे। पॉलिश तो नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर गेट लगा दो ना, ताकि मैं बेबी को ले आऊँ। अगर ये करोगे तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। चलो कोई नहीं ना, आप कल लेके आ जाओगे? अगर आप गेट आज लगा दोगे तो कल ले आऊंगा। शाम को दिया ना, आधी पहली फ्लाइट तुम्हारी पकड़ूंगा। अच्छा, आधी पहली फ्लाइट मेरी पकड़ोगे कल? ठीक है भाई। मॉम ने बोला कि उसको भाई रुकने दो थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पर ना थोड़ा बहुत वो हील हो जाता है। सो इस व्लॉग को फिर इधर से शुरू करते हैं, और आज हमें जाना है भाई शादी में। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कपड़े क्या पहनूं मॉम, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है शादियों वाले। तुम्हारा कोट है, कोट पहन जाओ। कोट वोट सब मेरे नहीं आता। सलवार कमीज? हाँ निका, में सलवार कमीज अच्छी लगेगी तुम्हें। एक ही सलवार कमीज है ब्लैक वाली। क्या करें, अब क्या करें, यही तो सारा मसला है। मैं तो नॉर्मल जो है ना कैजुअली पहनता हूँ, और शादी में के लिए भी मेरे पास कैजुअली पड़ा है। मॉम ने अच्छा आइडिया दिया है कि आप कमीज सलवार पहन जाओ। कमीज सलवार हम ब्लैक वाला पहन सकते हैं। पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप वो डाल देना मफलर टाइप का। ये थोड़ी के ब्लैक में फिर रोज पहनता हूँ, वो सिर्फ शादी शादी में पहनता हूँ। सही है ना भाई। हाँ। इतना सिंपल सा बंदा हूँ कि एक ही कमीज सलवार हर शादी में पहनता हूँ। तो आज भी फिर एक ही कमीज सलवार इसी शादी में पहनेंगे, तो बंद कर दो उसको। मैं समझा था कोई पैंट शर्ट निकालूंगा तो खोल दी। कमीज सलवार जो है ना मॉम, वो इसी कर दो जिसमें घेर वाली सलवार है और फिर एक मफलर सा। ब्लैक कहाँ पहना था? वो ब्लैक मैंने बस अभी लड़की की शादी में पहना था शायद, उसके बाद पहना ही नहीं। मिला रहे किस पे? सब किस पे चलेगा निकल। कौन सा खराब है, वो कौन सा गंदा है, साफ हो जाता है धुल जाता है, तो वो पहन लेते। अभी क्या नए नए कपड़े लेकर आना, क्यों पैसे खर्च करना फजूल के, तो फिर वही पहनेंगे। और बाकी नाश्ता भी दे दो, मेरा दही और चपाती। वाह, मेरा नाश्ता नहीं आया, तेरा नाश्ता आ गया। तो आ चुके मेरा भी नाश्ता, तो फटाफट करते नाश्ता। आज की ड्रेसिंग मेरी ये रही। अरे माशाल्लाह, क्या हो गया माशाल्लाह को भाई? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, तू बीमार हो गया? इमली इमली क्यों खाई भाई? पक्का तुमने इमली खाई थी क्या? क्या खाया था? खराब है पता नहीं, हुसैन का गला खराब था बहुत ना। हुसैन कैसे हुआ है? मैं उसके पास सो रहा था। हाँ। मेरे मुंह पे खास रस होते होते तुम्हें लग गया? लग गया, डाल दिया था टमाटर पे नाम, मतलब टमाटर की ऐसे बुखार हो गया इसको। खुद से नहीं हुआ, इसने बाहर की चीजें इतनी खाई है। उस दिन इसने रोल भी खाए थे दो, उससे पेट खराब था। ये उसके बाद से ही बीमारी चल रही है इसकी ना, तो अब ये फुली बीमार। गीजर चलाना पड़ेगा भाई, उसी के बाद हम रेडी हो सकते हैं। नहाते वक्त गर्म पानी मस्ट। तो टाइम पहले 5 हो रहे हैं और हमें घर से निकलना है 6 बजे। मेरे साथ कौन जा रहा है? मेरे साथ जा रहा है डमाडस और सबा, और दोनों ही घर में नहीं है। पहले डमाडस आएगा, अभी तक नहीं आया भाई, सो रहा है। और फिर उसके बाद सबा को लेने जाएंगे रेडी शेडी होकर, और फिर वहां से फिर डायरेक्ट शादी में। तो हो गए यहाँ पर हम दोनों रेडी। दोनों ने पहना ब्लैक, दोनों के पास सिर्फ ब्लैक है क्या? ब्लैक, तूने ब्लैक पहनवाया है। मेरे को एक बात तो बता, शादी किसकी है? जिस पे जा रहा है? शादी मेरे दोस्त लारिफ की। लेकिन सुन, सारे ही टिकटॉकर होंगे आज तो। अबे फिर तो बहुत मजा आएगा, टिकटॉक बना लूंगा उनके साथ। बाबा भी आ गए, एक भंड हो गया। एडिट हुआ, मेरी गाड़ी लेके गया हुआ, ठीक है। और अब सीन ऐसा है कि निकाना निकल जाए कहीं। एडिट हुआ अभी 10-15 नहीं 20 मिनट में आएगा, और सब अभी अब आ रही है भाई ऑटो में, तो फिर यहीं से जाएंगे डायरेक्ट। तो 20 मिनट अब वेट करना पड़ेगा। 6 बजे निकलना था और आधा घंटा और हो चुका है। आजा आजा आजा, अल्लाह हाफिज़। आ गए भैया, आ गए भैया नीचे यार। चला चला चला, भैया जो है वो गाड़ी लेके चले गए थे, जिस वजह से हम आधा घंटा लेट हो चुके हैं। और परफ्यूम भी हमने ऊपर से नहीं लगाया, तो हम लगाएंगे अपने ही ब्रांड का परफ्यूम। अबे डमाडस, तूने परफ्यूम लगाया है? हां लगाया अबे। तो फिर मैं अकेला ही लगा लेता हूं भाई अपना सिग्नेचर परफ्यूम, जो कि आपको मेरे ही ब्रांड से मिलेगा जी। अबे भाई कौन सा परफ्यूम लगा रहा है ये? चल जल्दी जल्दी पीछे जा, पीछे जा, पीछे। तो भाई सभा आने वाली है, पहुंच चुके हैं और सभा हमारे साथ बैठेगी आगे। ग्लासेस मस्ट है यार, ग्लासेस लगाना पड़ते हैं, दिखता नहीं है कुछ। आइए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। कहाँ है मेरा बेबी? बेबी सो रहा है। हाँ ना, वो शादी में क्या कर, डमाडस के भी लेके जा रहे हैं। डमाडस भी जा रहा है, डर गया इतना मेकअप करा रहा है। डमाडस सारे टिकटॉकरों से मिलेगा भाई। लेट्स गो, चलते हैं डायरेक्ट भाई निका में। भाई साहब हम आए ATM के अंदर, हम भाई कुछ लाना ही भूल गए, गिफ्ट शिफ्ट लिफाफा भी नहीं है, अब डायरेक्ट कैश देना पड़ेगा। सो निकालते फटाफट से। अरे अरे अरे, क्या था पासवर्ड? भूल गया। अच्छा पहुंच गया। टाइम फिक्स 7:30 बजे पहुंच। गाड़ी दे दी हमने वेले वाले को। यार अंदर तो कोई भी नहीं है। जल्दी तो नहीं आ गए? बहुत जल्दी आ गए, एक घंटा पहले आ गए। अबे आधा घंटा लेट आए टाइम से।
पापा वाली थोड़ी थोड़ी आदतें आ रही हूँ। पापा में 4 घंटे पहले एयरपोर्ट लेके जाते हैं, माँ हमें 2 घंटे पहले शादी में ले आते। एक बार हम शादी में चले गए, मिले ही नहीं हम, दूल्हा दूल्हा नहीं आया। अंदर जाके देखते है ही नहीं, तो भाई हम लोग इधर ही बैठ जाते। अभी तो कोई भी नहीं आया, हम स्टेज के पास ही बैठेगा। अबे डांस पास होगा, डांस देखेगा क्या? अबे 10 की लाया गड्डियां। अबे नहीं लाया कोई गड्डी बड्डी। अबे तू नहीं लुटाई, सिर्फ देखियो दूर से खड़े होकर। अबे अगर कभी लुटाया ना तो थप्पड़ ही पड़ेगा, पागल हो गया ऐसे काम नहीं करने। चल आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो रहे हैं। हाँ 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 देख लो दोनों, देख लो भूख लगी है दोनों को, जूस बनते हुए देख रहे हैं वो। देखो आ जाएगा जब बनेगा। अगर भैया होता वो तो अभी जाकर, वो पहले ही लिया था, आपको मिस कर रहे हैं। तबियत खराब है ना उसकी। अब तो मुझे भूख लग गई बैठे बैठे भाई, अब खाना भी नहीं लगेगा। अभी तो अभी दूल्हे की एंट्री हुई है, 2 घंटे और लगे खाना लगने में। अबे तू क्या खाना खाने आया, एंजॉय करियो इवेंट। डांसर आया, मैं डांसर, हर शादी में डांस होता है लाजमी। फटाफट से खाते हैं भाई यहाँ पर खाना, डांस मास्क थक गए बहुत। ये खाना नहीं है, ये स्टार्टर है। ये दिखा बे, वरना कोई और देख लेगा ना, खाने आ जाएगा। अबे पागल हो गया क्या? अबे नहीं खराब होगी जेब। चलो ठीक है, अबे एडवर्ट भाई के लिए ले लिया, एक यहाँ पर खाऊंगा। जूस भी आ गया, जूस कैसे रखूंगा मैं इसको जेब के अंदर? छोपर ऊपर होगा, ठीक है भाई ले आना यार, थैंक यू। हमने 1 2 3 4 5 6 7 अबे 7 गिलास ले लिए। दूल्हा मियां आए हैं हमारी टेबल पे। दूल्हा मियां सॉरी यार, हम सारा खा गए। दूल्हा मियां हमारी तरफ से एक भाई, निकाह की जगह पे खड़े हैं, निकाह हो रहा है। और पीछे जो है ना, पीछे देखो, पीछे पूल है। सही है, तो सबा को फेंक दे। आप मुझे बताएं इनका निकाह देखिए, आपको अपना निकाह याद आ रहा है? जिसका भी निकाह देखते हो ना, मुझे अपना निकाह याद आता है। क्योंकि जिस तरह मैंने कबूले 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 बोला था ना, उससे भी अच्छे अच्छे तरीके से लोग बोल रहे होते कबूले कबूले कबूले। बस इसमें बहुत मिठास है, कबूले कबूले कबूले। निकाह के हमें मिल चुके हैं, दो मिल रहे हैं, एक लारिफ का एक जरनाब का। ठीक है, मुझे एडवर्ट भाई के लिए मिला है ना, मैं एडवर्ट भाई सब चीज रख रहा हूँ भाई, सब कुछ के लिए रखूंगा मैं यार। अबे आजा भाई आ गया। एक काम कर बे, तू भी एक और ले ले, तू फिर एक ले रख लियो। चल अच्छा ऐसे खोल, वाह 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 वाह, ये क्या है? 2 चॉकलेट, एक सुपारी, खजूर, ये खाता थोड़ा सा ये। चल ठीक है, थैंक यू। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली शादी देख रहा हूँ जिसमें रश नहीं है। आप देख सकते हो सारे स्टेज के पास चढ़े हुए, यहाँ पर रोटी खुल गई, वरना तो लोग शादी में टूटते। भाई क्या क्या है? बिरयानी, क्या है ये शायद कढ़ाई वगैरह, ये क्या है? ये क्या लपेटा हुआ, इसके अंदर क्या हो सकता है? अबे टमाटर टूट गया क्या? चल मेरे को भी निकाल बिरयानी, जल्दी जल्दी। नहीं भाई पहले मेरे को निकाल। सबा सबा, अच्छा एक जगह खाना, एक जगह सैलेड, अच्छा सा बनाना। हाँ बैठियो भाई टेबल के ऊपर, और यहाँ पर देखो सारे अब यहाँ पर आ गए वहाँ से। अबे खाना खाते भी नहीं करते, खाना खा चुके, फटाफट से खाना खाएंगे और वो देख देखते। स्टेज पे काफी रश हो गया, दानिश सर भी आए हुए जो कि सर ही रहेंगे हमारे यार, हमारे मेंटोर थे। और अभी उनकी हो गया सेशन खत्म, तेज बोलो मत थोड़ा। सो दानिश हो गया और अब है हमारी सलामी देने की बारी हमारे छोटे को। ये देते थे आज हमें देनी है, इनकी शादी है ना हमारी, पहले हो गए चुपके। देख एक चीज भूल गया हूँ, अरे अरे वो ब्रीफ केस, अरे अच्छा अच्छा यार वो ब्रीफ केस नहीं लाया यार तो मैं लाया हूँ आज के अंदर। 1 2 ये प्रैंक करेगा, प्रैंक नहीं है, बाकी प्रैंक नहीं। ये सलामी दे क्या? ये सलामी दे रहा, क्यों नहीं देगा ये सलामी तुम्हें? शादी किसकी हुई पहले? बाप कौन वाला पहले? अब चाचा अंकल शादी में मुझे लगता था कि भाई दानिश तैमूर साहब भी आ जाएंगे, और दानिश तैमूर साहब भी आए और वो हैं हमारे सर। तो हम उनसे एक अपनी शादी में मिले थे और एक अभी लारिफ की शादी में मिले, मतलब लारिफ के निकाह में। अभी शादी नहीं हुई भाई, इसकी भी शादी भी बाकी है, और भी बहुत सारे टिकटॉकर से मिले, सारे पुराने लोगों से, नए लोगों से। तुम्हें मजा आया सबसे मिलकर? मैं तो मिला हुआ था पहले सबसे। इसमें यूट्यूबर्स भी थे, यूट्यूबर्स कौन कौन था? एक मुबीन था और एक ही था यार, हाँ एक ही था, एक ही था, एक ही अकी तो कोई भी नहीं था।
सो लेट्स गो, चलते हैं भाई डायरेक्ट घर। घर तो नहीं आ सकते, पहले सब हम छोड़ेंगे घर पर, उसके बाद अपने घर जाएंगे। गाड़ी गाड़ी आ गई। व्लॉग कम बनाने की वजह यही है कि अंदर ना म्यूजिक चल रहे थे और म्यूजिक पे कॉपीराइट पड़ जाता है, तो हमने कम व्लॉग बनाया। जहाँ जहाँ पर साउंड बंद था ना, वहाँ पर टमाटर प्याज है। जरा देखता हूँ, पूछता हूँ, टमाटर बेच रहे हो? नहीं भाई, मना कर दिया। नहीं, बेबी को नीचे लेके आ जाओ ना। सो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग नीचे और अभी बेबी को बुलाया कि बेबी से मिलेंगे भाई। और टाइम जो है देखें कितना हो गया है, 11:15 हो गए। 15 मिनट में 12 ही बज जाएंगे भाई, मतलब घर जा जाते 12:30 या 1 बज सकता है। बहुत थक गए भाई आज तो, बहुत थक गए। ये सजा है कि आइंदा के बाद आप किसी की भी शादी में जल्दी नहीं जाएंगे। हाँ वैसे ये है यार, मुझे कोई टाइम पे बोलता है कि भाई इतने बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ टाइम जो लिखता है। अब मुझे क्या पता है यहाँ पर सारे लेट स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे बाद स्टार्ट हुआ है इवेंट 2। और भाई अभी डांस परफॉर्मेंस भी बाकी थी जो कि हमने मिस कर दी क्योंकि वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मतलब मैंने कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया था ना। कौन आ गया भाई, कौन आ गया यार, कौन आ गया भाई? जी फवर, ठीक हो? यस कैसे हो भाई? भाग गए सफर बोल के, कहाँ जा रहा? रुक। अबे इधर से आ गया, डमाडस बेबी के लिए जा रहा था। अबे अरे बाबा आ गए हैं अपने मुन्ने के पोश पप्पू बासिलू। पापा का मुन्ना, पापा मिलने आ गए अपने मुन्ने से। पापा प्यार करे बगैर रह सकते अपने मुन्ने से? पापा आ जाओ इधर बैठो। पापा को मिस नहीं कर रहे आप भाई? हाँ सब पूछ रहे थे शादी में, बोले थे बासिल क्यों नहीं आया भाई, छोटा पीस आपका कहाँ है? मैंने बोला छोटा पीस अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर लेकर आया करूंगा, है ना? कब आए तुम लोग? एक दो दिन में आपको घर लेने आ रहा हूँ, ठीक है? अभी बस थोड़ा सा काम रह गया, आपका गेट रह गया और गेट के बाद फिर आप मेरे पास। सही जाओ संजय चाचा, बात जाओ। बोलो गुड्डा है तो कैसे हो दोनों भाई, ठीक ठाक? हाय बाय। सो भाई बेबी और सबको दोनों का लाफिस कह दिया, पकड़ बाय बाय। लेट्स गो भाई अब डायरेक्ट घर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पूरा अंधेरा हो गया भाई, लगता है सब सो गए। पहुंच चुके हैं भाई घर। जब भी तू आता है बंद ही होता है, मैं आता तो खुला होता है। उठी भी है भाई, सो जाती 12 बज रहे हैं। व्लॉग को फिर इधर से एंड करते हैं। ओ भाई तेरे को उड़ लिया। सो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त कर दो। ये तो बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा आया यार, मैंने तेरी चीजें ली थी, मुझे पकड़ लिया बाहर। कौन सी चीज? दोस्तों ने बोला अबे जेब में क्या भर के लेके जा रहे हो, सबको बांटनी पड़ गई। एक मैंने बोली था खाने पीने के लिए छुआ रहे होते हैं और एक सैंडविच लिया था यार। ऐड करने का मेरा शेयर स्वेटर बस। तो बस बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत तंग करता है, बहुत ऐसा लगता है इतना सा छोटा सा बच्चा इतना सा।